चलिए, गुड आफ्टरनून टू डियर स्टूडेंट्स. टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट द फ्यूल एंड कम्बशन क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्यूल्स. दिस इज द पार्ट ऑफ यूनिट 5 एंड द सब्जेक्ट नेम इज द थर्मोडायनेमिक्स. दिस इज द आउटलाइन ऑफ द टुडे लेक्चर्स. इंट्रोडक्शंस, टाइप्स ऑफ फ्यूल, लिक्विड फ्यूल्स, सॉलिड फ्यूल्स, गैसेस फ्यूल, कम्बशन इक्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ कम्बशन, स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन ऑफ द एयर रिक्वायर्ड. दिस इज द इंट्रोडक्शन. द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूल, फ्यूल का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है, या हम लोग ने क्या इसके बारे में पहले कभी डिस्कशन किया है कि फ्यूल किस तरीके से जनरेट किया जाता है. तो सोलर एनर्जी का जो मेनली वर्क रहता है वो केमिकल एनर्जी, इट इज कन्वर्टेड इन टू द केमिकल फॉर्म बिकॉज ऑफ द हीट एनर्जी कन्वर्टेड इन टू द केमिकल फॉर्म थ्रू द फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट्स एंड द एनर्जी प्रोड्यूस बाई द बर्निंग वुड और द फॉसिल फ्यूल्स. एनर्जी जो है जितनी भी प्रोड्यूस की जा रही है, यदि आप कोयले को और वुड को यदि आप जलाते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है. जो फॉसिल फ्यूल हैं वो कोल होता है, ऑयल होता है, नेचुरल गैस होती है. इस तरह के फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल किए जाते हैं. इन द मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड टुडे वुड इज नॉट द मेन सोर्स ऑफ द फ्यूल. वुड मेन सोर्स नहीं है, बट नेचुरल गैस, ऑयल, ये जितने भी आपके हैं ये सब आपके मेन सोर्स के रूप में काउंट होते हैं. जो ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं वो ऑयल और कोल रहता है, जो कि पानी को गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और पानी से फिर स्टीम बनाते हैं, और स्टीम का यूटिलाइजेशन टर्बाइन को मूव कराने के लिए होता है, जो कि ह्यूज पावर जनरेटिंग सिस्टम कहलाता है. तो कोल, ऑयल और नेचुरल गैस जितने भी आपके इस तरह के फ्यूल हैं ये सब फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं. तो बिफोर गोइंग ऑन द कम्बशन की फ्यूल का होना बहुत जरूरी है. कम्बशन में मेन जो पार्ट रहता है वो फ्यूल का रहता है. तो फ्यूल इट मे बी ऑफ द सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और द गैसेस फ्यूल. किसी भी तरह की क्वालिटी का फ्यूल हो सकता है वो, किसी भी वैरायटी का फ्यूल हो सकता है वो. तो उस फ्यूल का कम्बशन होना बहुत जरूरी है. यदि फ्यूल का कम्बशन नहीं करेंगे तो अपने को एनर्जी जनरेट नहीं होगी. तो जितने भी आपके ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल चल रही है, तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आपकी टाइप्स ऑफ फ्यूल्स में आती हैं, और इनका एनर्जी का यूटिलाइजेशन उसमें होता है. तो एनर्जी का कन्वर्जन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म होता है. तो ये टाइप्स ऑफ फ्यूल में लिक्विड फ्यूल है, आपके ऑटोमोबाइल्स के व्हीकल्स हैं वो सारे जितने भी हैं लिक्विड फ्यूल पे चलते हैं. पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, और आपके गैसोलीन हो गए. तो इनके बेस पे आपने ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और गैसोलीन साइकिल पढ़ी है. तो यहाँ पे जो लिक्विड फ्यूल है जिनका यूजेस यहाँ पे आप देख रहे हैं, यूज एक्सटेंसिवली इन द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. इसका जो मेनली यूज होता है लिक्विड फ्यूल का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में रहता है. एग्जाम्पल के रूप में यदि लिक्विड फ्यूल को देखेंगे तो फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, लाइट डीजल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, केरोसिन का, इथेनॉल का, और लो सल्फर हैवी स्टॉक इस टाइप के फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है. तो लिक्विड फ्यूल जो है डेंसिटी के रूप में, जो आप देखते हैं कि लिक्विड फ्यूल की डेंसिटी क्या होनी चाहिए, दैट इज द रेशियो ऑफ फ्यूल मास टू इट्स वॉल्यूम एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड. ये इसकी डेंसिटी होती है, ये केजी पर मीटर क्यूब में होती है. एंड इट इज द यूजफुल फॉर द डिटरमाइनिंग द फ्यूल क्वांटिटी एंड द क्वालिटी. ये इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को परखने के लिए अपन लोग डेंसिटी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं लिक्विड फ्यूल के लिए. सल्फर कंटेंट है, सल्फर कंटेंट का जो मेनली काम रहता है कि सल्फ्यूरिक एसिड के कारण जो कोरोजन की प्रॉब्लम्स होती हैं उसको एलिमिनेट करने का काम करता है लिक्विड फ्यूल. तो लिक्विड फ्यूल जो रहता है डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ द क्रूड ऑयल एंड लेस ऑन द रिफाइनिंग प्रोसेस. जितने भी फर्नेस ऑयल हैं इसमें 2-4% सल्फर रहती है. बोला तो ऐसा भी जाता है कि जितने पेट्रोल और डीजल होते हैं उनमें भी सल्फर मिली रहती है, ऐसा भी बोला जाता है. ठीक है, एस कंटेंट जो रहता है वो इन ऑर्गेनिक मटेरियल का इन फ्यूल में रहता है. टिपिकली जो एस कंटेंट रहती है वो 0.03% से लेकर 0.07% रहती है. कोरोजंस जो बर्नर टिप्स में लगे रहते हैं, आप लोग घरों में देखे होंगे जितने भी आपके गैस स्टोव्स रहते हैं, बर्नर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें कोरोजंस की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है, जो कि मटेरियल को डैमेज कर देते हैं हाई टेम्परेचर पे. स्टोरेज ऑफ फ्यूल की बात करें तो लिक्विड फ्यूल को थोड़ा स्टोर करने के लिए दिक्कतें बहुत सारी आती हैं, ये आपको भी पता है. इनको सिलेंड्रिकल टैंक में स्टोर किया जाता है, अबव या बिलो ग्राउंड सर्फेस लेवल पे. जो इनका जो स्टोरेज लेवल है वो मोर देन 10 डेज का रहता है नॉर्मल कंजम्पशन से. और क्लीनिंग जो रहती है रेगुलर इंटरवल पे होती है. यदि आपने कभी सर्विस सेंटर का नाम सुना हो, यहाँ पे आप लोग गाड़ियाँ सर्विस करने आते हैं, करवाने आते हैं, वहाँ पे जो ऑयल चेंज है वहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है ताकि स्टोरिंग के लिए प्रॉब्लम ना हो. तो स्टोरिंग के लिए प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए या बोलना चाहिए रेगुलरिटीज बनाए रखने के लिए हम लोग ऑयल को स्टोर करके कहीं पे रखते हैं. सॉलिड फ्यूल की यदि बात करें तो सॉलिड फ्यूल आपका कोल, जैसा कि सबको पता है कि कोल के बारे में
कोल इज अ फॉसिल फ्यूल्स जो कि नेचुरली अवेलेबल होता है, एंथ्रासाइट उसमें रहता है जो कि हार्ड रहता है या बोलना चाहिए जियोलॉजिकल ओल्डेस्ट कहलाता है। बिटुमिनस जो है कोल यूज़ किया जाता है, लिग्नाइट कोल यूज़ किया जाता है। फर्दर यदि क्लासिफिकेशन करेंगे तो सेमी एंथ्रासाइट, सेमी बिटुमिनस और सब बिटुमिनस टाइप का कोल होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी की यदि बात करेंगे सॉलिड फ्यूल में तो हीटिंग या कैलोरीफिक वैल्यू जो है सॉलिड फ्यूल की ज़्यादा रहती है, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा रहता है, वोलेटाइल मैटर जो है ज़्यादा रहता है और एस जो है ज़्यादा रहती है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स जो रहते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर इस टाइप के रहते हैं। सॉलिड फ्यूल्स में यदि और आगे बात करेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में एस जो रहता है इम्प्योरिटीज रहती है जो कि बर्न नहीं कर सकते हैं, जो कि 5-40% रहती है, इम्पॉर्टेंट फॉर द डिज़ाइन ऑफ फर्नेस रहता है। एस का जो इस्तेमाल करते हैं जो रेसिड्यू रहती हैं आफ्टर द कम्बशन उसके रूप में किया जाता है जैसा कि आपने देखा है। फिक्स कार्बन जो रहता है वो 100 माइनस ऑफ द मॉइस्चर प्लस ऑफ द वोलेटाइल मैटर प्लस एस रहता है। कार्बन प्लस हाइड्रोजन कॉमा ऑक्सीजन कॉमा सल्फर कॉमा नाइट्रोजन रेसिड्यू रहता है, दैट इज द फिक्स कार्बन। हीट जनरेटर ड्यूरिंग द कम्बशन की जो प्रोसेस रहती है वो फिक्स कार्बन के रूप में होती है। सॉलिड फ्यूल यदि देखेंगे तो उसको स्टोरेज किस तरीके से कर सकते हैं, उनको हैंडलिंग किस तरीके से कर सकते हैं, उनकी प्रिपरेशन किस तरीके से करते हैं, हाउ कैन बी स्टोरेज, हाउ कैन बी द हैंडलिंग, हाउ कैन बी द प्रिपरेशन, तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो रहती हैं इनके अंदर की वो देखी जाती है। तो स्टोरेज जो रहता है मिनिमाइज करता है कार्बेट लॉसेस को एंड जो लॉसेस आपके स्पॉन्टेनियस कंबशन के कारण हो रहे हैं उसके लॉसेस को मिनिमाइज करने का काम करता है सॉलिड फ्यूल। रिड्यूस कार्पेट लॉस जो रहता है उसको भी मिनिमाइज करने का काम करता है। जो कोल प्रिपरेशंस रहती हैं वो इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट कि यदि हमने कोल की प्रिपरेशन नहीं करी है कम्बशन के स्टार्ट होने से पहले तो वो डायरेक्टली यदि हम कोल को इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है उसमें मॉइस्चर आपको मिल जाए, तो उस मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए कोल जो है सॉलिड टाइप का नेचर का या सूखा जो कोयला बोलते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि कम्बशन से जितनी भी एनर्जी निकले वो हाई अमाउंट में निकले और हाई कैलोरीफिक वैल्यू की निकले। फिर यदि और बात करेंगे आगे गैसेस फ्यूल पे चलेंगे तो क्या फायदे होते हैं गैसेस फ्यूल के वो देखने लायक है। लीस्ट अमाउंट ऑफ हैंडलिंग रहती है गैसेस फ्यूल में, आपने देखा है घरों में भी कम्बशन की प्रोसेस होती है, गैस स्टोव वगैरह यदि आप जलाते हैं तो वो भी कम्बशन की एक प्रोसेस है जिसमें कि गैस सप्लाई होती है एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। सिंपलेस्ट बर्नर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, एक नॉर्मल एग्जाम्पल यदि आप देख लें तो घरों में आपने देखा है कि सिंपलेस्ट जो है बर्नर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। बर्नर सिस्टम जो रहता है वो लीस्ट मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट रहती है और जो एनवायरमेंटल बेनिफिट की बात देखेंगे तो लोएस्ट सीएचजी और अदर एमिशंस वाली प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। जो नेचुरल गैस जो रहती है वो मीथेन 95% रहती है, रिमेन्स 5% जो है इथेन प्रोपेन और ब्यूटेन रहता है, पेंटेन रहता है, नाइट्रोजन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है और अदर गैसेस रहती हैं। हाई कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल रहता है और डज नॉट रिक्वायर स्टोरेज फैसिलिटीज, नो सल्फर, सल्फर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, सल्फर नहीं रहता है और इजली मिक्सअप होता है विदाउट प्रोड्यूसिंग ऑफ द स्मोक और द सूट। और यदि बात करेंगे तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो रहती है एलपीजी प्रोपेन ब्यूटेन अनसेचुरेटेड लाइटर C2 एंड द हैवियर C5 फ्रैक्शंस hydrocarbons are gases at atmospheric pressure but cannot be condensed to the liquid states. So, hydrocarbon jitne bhi rehte hain wo gases form mein rehte hain, atmospheric pressure mein rehte hain, unko condense nahi kar sakte liquid form mein. LPG jo vapor rehti hai wo denser rehti hai comparison of the air ke. Leaking gases can flow long distances from the sources. Jitni bhi gases rehti hain wo leak hone ka dar usme bana rehta hai aur source se kafi zyada dur distance pe rehti hain. कम्बशन के कैलकुलेशन से देखेंगे तो मेनली तीन तरह के कैलोरीज मीटर इस्तेमाल किए हैं, बम कैलोरी मीटर, जंगर गैस कैलोरी मीटर, बॉय गैस कैलोरी मीटर, जो कि कम्बशन की कैलकुलेशन को मेंटेन करते हैं या बोलना चाहिए तीन तरह की कैलोरीफिक वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं फ्यूल में जो कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से होता है। प्रिंसिपल ऑफ कम्बशन देखेंगे तो रैपिड ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल रहता है प्रिंसिपल ऑफ कम्बशन में। कम्प्लीट कम्बशन जो रहता है वो टोटल ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल के रूप में रहता है। एयर जो रहती है 20.9% ऑक्सीजन रहती है, ऑक्सीजन के रूप में रहती है, 79% आपका नाइट्रोजन और अदर गैसेस रहती हैं। नाइट्रोजन का जो इस्तेमाल करते हैं वो कम्बशन इफिशेंसी जो रहता है वो कम्बशन इफिशेंसी को रिड्यूसेस करता है यदि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है, और यदि नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है हाई टेम्परेचर्स में तो उसके कारण से भी कम्बशन की इफिशेंसी कमजोर होती है।
कार्बन का जो रहता है लेस हीट कम प्रोडक्शन का रहता है, तो कार्बन जो है CO2 बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, और CO यदि बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड तो उससे लेस हीट प्रोडक्शन होता है। फिर उसकी यदि बात करेंगे स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन ऑफ एयर की रिक्वायरमेंट की, जैसा कि आप गाड़ियां चलाते हैं ऑटोमोबाइल के व्हीकल, तो उसमें स्टाइकोमेट्रिक एयर फ्यूल मिक्सचर की रिक्वायरमेंट रहती है। यदि लीन मिक्सचर है तो उसमें आपकी ज़्यादा एयर रहती है, फ्यूल कम रहता है। यदि रिच मिक्सचर है तो उसमें ज़्यादा फ्यूल रहता है, कम एयर रहती है। और स्टाइकोमेट्रिक केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो है तो उसमें प्रॉपर अमाउंट में एयर और फ्यूल मिक्सचर रहता है। तो स्टाइकोमेट्रिक एयर जो है नीडेड फॉर द कम्बशन ऑफ फर्नेस ऑफ ऑयल जो रहता है उसके लिए रहती है। थियोरेटिकली CO2 कंटेंट जो रहता है फ्लू गैसेस में रहता है, एक्चुअल जो CO2 कंटेंट है एंड परसेंटेज ऑफ एक्सेस है वो अलग चीज़ कहलाती है, एंड द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द फ्लू गैसेज विथ एक्सेस एयर है वो अलग चीज़ कहलाती है, और थियोरेटिकली CO2 और O2 जो रहता है ड्राई फ्लू गैसेज में बाई वॉल्यूम रहता है। तो ये सारी बातें जितनी भी हैं स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए रिक्वायरमेंट रहती हैं फॉर द एयर रिक्वायरमेंट। तो दिस इज द टुडे लेक्चर।